हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया फ्रेंड्स। ये 19 to 24 सितंबर का है। जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगे हैं फिल्टर करके, करीब मेरे पास 100 के करीब क्वेश्चन आए थे, उसमें से फिल्टर किया हूँ, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं और देखिए ऑप्शन, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो देख रहे हैं, देखते के साथ ऑप्शन चाहे तो अपने कॉपी में या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो इस वीडियो को ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लीजिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा और ऑप्शंस को एक बार ज़रूर से लिखिएगा कॉपी में, आंसर को जो आंसर ऑप्शन में है उसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में शायद लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आएंगे ही आएंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। बैंकिंग न्यूज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉवल फॉर 10,000 एंड अबव थ्रू आउट द डे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार्ट किया ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉवल 10,000 और 10,000 से ऊपर का पर डे। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने स्टार्ट किया है ये। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, एक तो जैसा जैसा फ्रेम है ये, सेकंड की क्या लिमिट है, 10,000 रुपीज लिमिट है, 10,000 या उससे ऊपर का ही विड्रॉल हो सकता है, इससे कम का नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, विच बैंक हैज सेट अप अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस EEB एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। तो आंसर है इसका बंधन बैंक। बंधन बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक अलग ही वर्टिकल लॉन्च किया है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस के नाम से। उनको वो अलग, मतलब उनका लोन सर्विस अलग होगा उनके लिए, वो अलग कस्टमर सर्विस उनको देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है बंधन बैंक। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट। डिफेंस प्रोडक्शन में कितना परसेंट गवर्नमेंट ने अलाउड किया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यह है 74%। 74% अलाउ किया गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट लगाया 74%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रोब चाइना वॉचिंग। ये चाइना वॉचिंग जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, चाइना वॉचिंग, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चाइना वॉचिंग ये आर्टिकल आया भी था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने पढ़ा था शायद अक्टूबर 1st week में ही आया था। तो चाइना वॉचिंग पे पूरा आर्टिकल है, तो इसको एक बार जरूर से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो किसके चेयरमैनशिप में, गवर्नमेंट ने किसके चेयरमैनशिप में ऐसा कमेटी बनाया है चाइना वॉचिंग नाम से, तो आंसर है राजेश पंत, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च अ लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS लीड मैनेजमेंट सिस्टम iLead 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम version 2.0, ठीक है। आई से इंस्पायरिंग है, ठीक। लीड मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, केनरा बैंक ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूचुअल फंड हैज स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड SIFI और SIP इन फिक्स्ड इनकम। SIP इन फिक्स्ड इनकम किसने स्टार्ट किया है, IDFC म्यूचुअल फंड ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि SIP इन फिक्स्ड इनकम किसी ने लॉन्च किया है, तो ये है IDFC म्यूचुअल फंड ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक। बैंकिंग एग्जाम में बैंक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो इनिशिएटिव नए लिए गए होते हैं वो ज़रूर से आ जाते हैं, तो उनको ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक। बैंक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर, ठीक। बुक्स एंड ऑथर पिछले वीडियो में शायद एक ही बुक थी, जिसमें 2-3 बुक हैं अच्छी अच्छी, जैसे कि द एंड ऑफ एन एरा, इंडियन एग्जिस्ट तिब्बत, किसने लिखा है ये, क्लाउडी एप्री ने। ये नाम कुछ अटपटा है बट बुक बहुत अच्छी है और बहुत न्यूज़ में रही है, इसलिए मैंने इसको लिया है, क्लाउडी अर्पी, ठीक। सेकंड बुक है फ्रॉम बिहार टू तिहार, ये आपको याद रहेगा किसने लिखा है, अभी ही याद हो जाएगा, बिहार टू तिहार लिखा है कन्हैया भैया ने हमारे, कन्हैया कुमार को सभी जानते होंगे, कन्हैया कुमार ने लिखा है फ्रॉम बिहार टू तिहार, ठीक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड,
किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसने लिखा है? संजीव कपूर पे मत चले जाइएगा, संजीव कपूर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है विकास खान। विकास खान ने लिखा है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैंने इसलिए क्वेश्चन पिक किया है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा और आपने नहीं देखा है तो संजीव कपूर पे लगा के आ जाएंगे, इसका आंसर है विकास खान। ठीक, अब नेशनल इंटरनेशनल वाले न्यूज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव काउज टू फैमिलीज विद मालनरिश्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, किसके फैमिलीज को, मालनरिश्ड चिल्ड्रेन के फैमिलीज को काउ देने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? देखिए, दो ऑप्शन, अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से कोई भी एक ऑप्शन होता, सपोज के यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं होता, मध्य प्रदेश और हरियाणा होता या कुछ भी होता, तो मैं मध्य प्रदेश पे टिक कर देता। काउ से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूज़ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही होते हैं, और यहाँ पे भी आंसर आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ई कॉमर्स कंपनी है सेटअप एन ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन खादी गुजरात? खादी गुजरात में ई कॉमर्स कंपनी सेटअप हुई है ऑल वुमेन। ऑल वुमेन मतलब जहाँ सारी वुमेन ही होंगी, मेंस का कोई रोल नहीं है, पूरा काम सब काम वुमेन करेंगी, तो ये है कंपनी है अमेजोन। नेक्स्ट लेते हैं। विच इंडियन हैज बीन नेम्ड बाय द यूएन इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के यंग लीडर के लिस्ट में किसका नाम, कौन से इंडियन का नाम रहा है, किस इंडियन का नाम रहा है यंग लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? तो इसका आंसर है आपका उदित सिंघल, ऑप्शन ए उदित सिंघल का नाम रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। विच PSU ऑफ इंडिया हैज एग्जिटेड फ्रॉम सूडान आफ्टर द अफ्रीकन नेशन रिफ्यूज टू पे फॉर ऑयल इट लिफ्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड? कौन से PSU, यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, PSU है पब्लिक सेक्टर यूनिट, और वो पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है BONGC। ONGC ने एग्जिट कर लिया है सूडान से, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जो तेल उन्होंने वहाँ से लिया है उसके पेमेंट के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है उन्होंने सूडान वालों ने, तो PSU वहाँ से एग्जिट हो गया, अब उनके साथ वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस टू सेट अप अ कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये कंट्रीज बिगेस्ट था इसलिए इसको न्यूज़ मैंने ले लिया है, क्योंकि फिल्म सिटी केवल बात होती कि फिल्म सिटी का कहाँ नया फिल्म सिटी बन रहा है, तो मैंने लिखा, बट ये कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी बन रहा है, अपने उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में बन रहा है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन, सॉरी सिद्धार्थ नगर नहीं, गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आंसर इसका है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेप्थ इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट टू 558.5 बिलियन एज ऑन March 31st, 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नंबर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का, क्या 558.5 बिलियन और कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 2.8% से इंक्रीज हुआ है। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है और ये क्वेश्चन जरूर से आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा एक्सटर्नल डेप्थ इंक्रीज हुआ है 2.8% से, और इंक्रीज होके 558.5 बिलियन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक समिट वैभव विल बी इनॉग्रेटेड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन, किस पर्सन के एनिवर्सरी पे ये समिट हुआ, ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक समिट? तो महात्मा गांधी के एनिवर्सरी पे ये समिट हुआ था वैभव, और समिट का नाम था वैभव, तो वैभव नाम भी याद रखिएगा कि ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक समिट जो कि महात्मा गांधी के एनिवर्सरी पे हुआ था उसका नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उसका आंसर होगा वैभव, तो वैभव नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच पब्लिक सेक्टर यूनिट ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड BIS हैव सर्टिफाइड इट्स ऑल प्रोडक्ट, किस पब्लिक सेक्टर यूनिट का के हर प्रोडक्ट को BIS ने सर्टिफाइड किया है, ISO सर्टिफाइड किया है? ठीक है, किस पब्लिक सेक्टर यूनिट के, तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का C।
HOCL, HOCL के हर प्रोडक्ट को ISO द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, BIS, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द प्रीवियस एक्ट विच हैज बीन पास बाय द राज्यसभा द पेंडेमिक डिजीज बिल 2020, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोविड के टाइम पे इसको लाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर है आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, क्योंकि ऐसा पहली बार हमारे कंट्री में हुआ है कि ऐसी महामारी आई है कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में, तो हमें अपना एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो था उसको चेंज करना पड़ गया। तो कौन सा एक्ट था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 था, जिसको चेंज करके ये नाम भी याद रखना आपको, द पेंडेमिक डिजीज बिल 2020, इसके नाम से ये अब हो गया है, ठीक है, द पेंडेमिक हो गया है, एपिडेमिक से पेंडेमिक हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैज बीन अवार्डेड द जेफरी प्राइज इन द 45th टोरंटो फेस्टिवल, 45th टोरंटो फेस्टिवल में किस इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर को प्राइज मिला है। देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए मीरा नायर, मीरा नायर जो इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है, इनको जेफरी प्राइज मिला है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, 45th था। एक क्वेश्चन घुमा के ये बन सकता है इसमें कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल जिसमें इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर को प्राइज मिला है, वो कहाँ, किस, कहाँ हुआ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, तो उस जगह को आप गूगल करिए, कमेंट करिएगा कहाँ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रांड जेड टॉप 75 मॉडल वेरिएबल ऑफ 2020 इंडियन ब्रांड इन द सेवेंथ ईयर ऑफ द सेवेंथ कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ इंडिया टॉप ब्रांड व्हाट वाज द सेवेंथ प्लेस एज गिवन। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, देखिए एक्चुअल में क्या था ये क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि ब्रांड जेड में जो टॉप 75 मॉडल वो लेते हैं उसमें 7 साल से लगातार 7वें पोजीशन पे कौन सा इंडियन ब्रांड है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हमारा HDFC, HDFC एक ऐसा ब्रांड है जो ब्रांड जेड के टॉप 75 मॉडल में सेवेंथ प्लेस पे लगातार 7 दिन से है, बैंकिंग से रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको उठाया है, 7 साल से 7वें पोजीशन पर रहा है ये, ठीक है, कौन, HDFC ब्रांड, ब्रांड जेड, ये याद रखिएगा, ब्रांड जेड के रैंकिंग में टॉप 75 मॉडल्स के रैंकिंग में सेवेंथ प्लेस पे 7 साल से कौन रहा है, HDFC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्री टू कम अप विथ पॉलिसीज ऑन IT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी विच वन हैज बिकम, इसके क्वेश्चन में भी फ्रेमिंग में गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट स्टेट टू कम अप विथ द पॉलिसी ऑन IT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, भाई ये कौन सा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने पॉलिसी बनाई है, कम अप विथ अ पॉलिसी ऑन IT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी और IT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका, आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु हैज कम अप विथ अ पॉलिसी ऑन IT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम इन आसाम नेम महिला अभिल, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम इन आसाम नेम महिला आत्मनिर्भर अचनी, यहाँ पे होगा आत्मनिर्भर, महिला आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, महिला आत्मनिर्भर अचनी, इस नाम से प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला कौन सा बैंक है, ये क्वेश्चन। 13th, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असम में, कहाँ पे, असम में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है महिला आत्मनिर्भर अचनी, ठीक है, नाम भी याद रखना है महिला आत्मनिर्भर अचनी, स्टेट भी याद रखना है असम है, और बैंक भी याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बैंड चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप
टिकटॉक एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वीचैट इन 20 सितंबर। किसने बैन किया है? इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया है, पबजी को बैन किया है, और किस का कौन सी कंट्री है जिसने टिकटॉक और वीचैट को बैन किया है? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने बैन किया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवल एविएशन फॉर द फर्स्ट टाइम टू वुमेन ऑफिसर हेलीकॉप्टर स्ट्रीम एयरबीएनबी ट्रांजिशन हैज बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ ऑब्जर्वर। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा इंडियन नेवल एविएशन के हिस्ट्री में कि दो वुमेन ऑफिसर को चूज किया गया है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एज अ पोस्ट ऑफ ऑब्जर्वर। हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एज अ पोस्ट ऑफ ऑब्जर्वर दो महिला को सेलेक्ट किया गया फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है ये कुमुदनी त्यागी और रिथि सिंह। कुमुदनी त्यागी और रिथि सिंह, ये नाम याद रखना आपको, कुमुदनी त्यागी, रिथि सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आईजी नोबल प्राइज फॉर द ईयर ऑफ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। किसको चुना गया है? बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों को चुना गया है फॉर आईजी नोबल प्राइज। बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप और एंड नरेंद्र मोदी, तीनों को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी, ट्रिपल आईटी है ये, आईआईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ लो कॉस्ट एंड फिल्ट्रेशन डिवाइस प्रश्नेर। प्रश्नेर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा स्वसनेर। स्वसनेर है, प्रश्नेर नहीं है, स्वसनेर है। SWASNER, स्वसनेर, सांस लेने के लिए। एक्चुअली उन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है सांस लेने के लिए, आपको इजी हो, फिल्टर्ड एयर आए उसमें, तो लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन डिवाइस स्वसनेर बनाया है। श्वास से स्वसनेर, सांस से श्वास, श्वास से स्वसनेर, इन्होंने स्वसनेर नाम से एक बनाया है। स्वसनेर कौन सी ट्रिपल आई टी है? ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर है, ठीक है। तो आंसर हो गया ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे आ गया है। 2020 इटालियन ओपन, हु हैज वॉन द टाइटल फॉर मेन सिंगल। मेन सिंगल के लिए किसने जीता है? तो नोवाक डिजोकोविच ने किया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वुमेन्स टाइटल, इटालियन वुमेन्स टाइटल किसने जीता है। देखिए वीक 6 दिन का वन डे वीक कर रहे हैं, 6 डे बाद 7वें दिन हम पूरा एक केवल स्पोर्ट्स पे लेंगे, कितने टाइटल, जो जैसे ये होता है इटालियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये पूरे ओपन जितने भी होते हैं, विंबलडन ओपन, सारे हम लेंगे, टेनिस वाले और फार्मूला वन रेसिंग वाले, ये सब संडे को हम करेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट रिलेटेड सब न्यूज उसमें स्पोर्ट्स वाले में कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सब कवर करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा न्यूज रहेंगी, ठीक है। तो नोवाक डिजोकोविच यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड रिसेंटली। पहली कार्गो सर्विस है ये इंडिया और किसके बीच? मालदीव के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर है मालदीव्स। इंडिया एंड मालदीव्स हैज स्टार्टेड फर्स्ट कार्गो सर्विस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन फॉर पीएम फंड। पीएम फंड के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि कितना फंड एलोकेट हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 600 करोड़। सी नहीं है यहाँ पे, ए बी सी सी ए है, लेकिन इसका आंसर है 600 करोड़, ठीक है। इसका आंसर है 600 करोड़। नेक्स्ट लेते हैं, हु द यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम हैज अपॉइंटेड इंडिया एज रीजनल एम्बेसडर। रीजनल एम्बेसडर किसको यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम UNEP ने किसको अपॉइंट किया है रीजनल एम्बेसडर? UNEP ने किसको अपॉइंट किया है एज अ रीजनल एम्बेसडर RA? तो इसका आंसर है आपका खुशी चंदेलिया। खुशी चंदेलिया को UNEP ने रीजनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं,
Which digital wallet platform has partnered with Visa for card-based payment with token? Card-based payment with token, token के लिए किसके साथ, Visa के साथ किसने partnership किया है? तो इसका answer है Google Pay. Google Pay ने किया है. Answer हो जाएगा आपका Google Pay. तो ये भी important question है. Google Pay ने partnership किया है Visa के साथ. ठीक है. Next question. Who is going to become India's first female fighter pilot to fly Rafale aircraft? देखिए ये न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो आ भी सकता है. जो जो चीज ज्यादा न्यूज में हो जाती है तो वो नहीं भी आता है, क्योंकि वो सबको मालूम हो जाता है. ठीक है, तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए. इसका आंसर है आपका शिवांगी सिंह. ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन भी खत्म. बचा है सिर्फ एक, स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगभग ऊपर थे स्पोर्ट्स के, होने चाहिए थे स्पोर्ट्स सेक्शन में, लेकिन आ गए थे इंटरनेशनल में. क्या है ये क्वेश्चन? विच स्टूडेंट सेंटर विल बी सेट अप अ क्रिकेट एकेडमी टू प्रमोट द स्किल ऑफ यूथ ऑफ J&K? तो बेसिकली क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ. क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट अकेडमी खोलने का, क्रिकेट एकेडमी फॉर स्टूडेंट्स खोलने का निर्णय लिया है, किस क्रिकेटर ने? तो आंसर इसका सुरेश रैना. सुरेश रैना जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी ओपन करने वाले हैं. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को आगे लाने के लिए. ठीक, तो आंसर है सुरेश रैना. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी. बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में. एक्चुअल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसको पढ़ो फिर उसको एलिमिनेट करो. लेकिन जब आप लोग से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो करने का मन करता है. ठीक है, मिलते हैं कल फिर सुबह अगले वीक के करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू फ्रेंड.